Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the question, how were the Indians treated in the cellular jail of Andaman by the British officials? From the chapter, Gadri Babas in Kalapani Jail, from your book, Arenba of English, Class Plus 2, Punjab School Education Board. तो चलिए करते हैं इसको कि जो इंडियंस थे उनको सेल्युलर जेल में जो कि अंडेमान में बना हुआ था वहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते थे. तो द इंडियंस वर ट्रीटेड वेरी क्रूअली इन द सेल्युलर जेल. जो इंडियंस थे जो भारतीय थे उनके साथ सेल्युलर जेल में बहुत ही क्रूरता से व्यवहार जो था वो किया जाता था. द एरिया ऑफ द सेलुलर जेल वॉज इन्फेस्टेड विद मस्कीटोज एंड ब्लड सकिंग लीग्स. और सेलुलर जेल का इलाका जो था वो मच्छरों और खून चूसने वाली जोंकों से भरा हुआ था. द इंडियंस वर प्रोवाइडेड बैड एंड इनएडिक्वेट फूड इन जेल. जो भारतीय थे उनको जेल में खराब और अपर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाया जाता था, यानी कि जितना उनको ज़रूरत थी उतना उनको भोजन नहीं दिया जाता था. मैनी वर फ्रीक्वेंटली सिक विद डायसेंट्री, हाई फीवर, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड अस्थमा. और इसी वजह से कई लोग जो थे वो पेचिश, तेज बुखार, तपेदिक और अस्थमा से अक्सर बीमार रहते थे. दे वर सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर. और उन्हें इस चीज़ के लिए मजबूर किया जाता था कि वो वहाँ पे जो है मजदूरी करें. दे वर फोर्स टू एक्सट्रैक्ट मिनिमम ऑफ 30 pounds ऑफ कोकोनट ऑयल एंड पाउंडिंग कोकोनट हस्क टू प्रोड्यूस कॉयर थ्रेड्स. और किस चीज़ के लिए मजबूर किया जाता था उन्हें कि कम से कम जो 30 pounds है नारियल का तेल निकाला जाए और नारियल की जो भूसी है जो उसका बूरा होता है उसको तेज करके कॉयर धागे का उत्पादन करने के लिए कहा जाता था. ठीक है कि जो उसका भूसा है उसको निकाला जाए और फिर उसे थ्रेड बनाया जाए. इफ़ देयर प्रोडक्शन फेल शॉर्ट ऑफ द गिवन टारगेट. और यदि उनका उत्पादन दिए गए लक्ष्य से कम हो गया. They were abused and were given 30 lashes of whip in public. तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और सार्वजनिक रूप से उनको 30 कोड़े मारे जाते थे. If their production fell short, right? Loud cries and blood oozing from the skin were a part of the patently revolting experiences. और फिर क्या हुआ कि जब उनको विप्स मारे जाते थे 30 कोड़े मारे जाते थे तो वो जोर जोर से रोते थे और उनकी त्वचा से खून बहना विद्रोही अनुभवों का एक हिस्सा हो गया था. ठीक है, अब उनको दुख पहुंचाने के लिए वो क्या करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, अच्छे से खाना नहीं देते थे. 30 pounds उनको कोकोनट ऑयल और जो कॉयर था थ्रेड है ना वो बनाने के लिए वो कहा जाता था. अगर वो नहीं कर पाते थे तो उनको कोड़े लगाए जाते थे, वो भी 30 कोड़े लगाए जाते थे. और इस तरह से उनकी बॉडी से खून भी निकलने लगता था, जोर जोर की चीखे जो थे वो मारते थे. लेकिन ये उनकी लाइफ का हिस्सा हो गया था. ईच वन वॉज कन्फाइंड टू अ स्मॉल सेल. और इससे भी ज़्यादा बुरा क्या था कि जो कैदी थे उन्हें एक छोटी सी कोठरी में जहाँ पे कि वो पैर भी नहीं अपने पसार सकते थे वहाँ पे रखा जाता था. और वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे ना धूप आती थी ना वहाँ पे फ्रेश एयर आती थी. तो लोग जो थे वो बहुत दुखी थे वहाँ पे. और द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रिजनर्स वाज टोटली डिसअलाउड. और जो वहाँ पे कैदी थे उनको आपस में बात करना भी अलाउड नहीं था, इसलिए उनको अलग अलग छोटी सी कोठरी में डाला गया था. द रिकॉर्डेड अकाउंट टेल अस दैट द पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर टॉर्चर्ड फॉर सैडिस्टिक प्लेजर. और जो राजनीतिक कैदी थे, ठीक है, जो वहाँ पे विद्रोह करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स का, उनको इतना ज़्यादा मतलब इल ट्रीट किया जाता था कि वो उनके दुख को देख के खुशी महसूस करते थे. द पैटी ऑफिसर्स ऑफ द जेल वुड अब्यूज. और जो वहाँ के अधिकारी थे वो उन्हें गाली देते थे. अब्यूज मीन्स गाली देना, ह्यूमिलिएट
उनको अपमानित करते थे एंड इल ट्रीट देम और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे. दे मेड देयर लाइफ मिजरेबल एंड अनबियरेबल. उन्होंने उनकी जो जीवन था, उनकी जिंदगी थी, मिजरेबल मतलब होता है दयनीय, कि उनके जिंदगी पे दया आती थी एंड अनबियरेबल, और उनको वो सब सहना बहुत मुश्किल था, असहनीय बना दिया था सब कुछ एज ए रिजल्ट ऑफ थर्ड रेट मेथड ऑफ टॉर्चर और यातना के तीसरे दर्जे के तरीकों के परिणाम स्वरूप. तीसरा दर्जा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा बुरी पनिशमेंट दी जाती है. ज्योतिष चंद्र पाल वॉज ड्राइवन मैड. ज्योतिष चंद्र पाल जो थे वो तो पागल ही हो गए थे एंड इंदुभूषण वॉज फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड. और जो इंदुभूषण थे उनको जो थी आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया था. द जेल ऑफिसर्स वर नो लेस देन बूचर्स. अब बूचर्स क्या होती हैं, कसाई, जो कि मांस काटते हैं एनिमल्स का, है ना, और बेचते हैं. तो कहते कि वो जो जेल के अफसर थे वो एक कसाई से कम नहीं थे, क्योंकि कसाई तो जो है वो एनिमल्स को काटता है ना. तो ये जो लोग थे ये लोगों को इतना ज़ोर ज़ोर से कोड़े मारते थे, इतना बुरा व्यवहार करते थे कि उनकी तुलना कसाईयों के साथ की गई है. आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम.